असल आज हम टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर नाइन की टेस्ट योर सेल्फ नाइन पॉइंट वन डिस्कस करेंगे जिसके टोटल तीन क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर वन वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नैवर कम्प्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कम्प्लीट क्यों नहीं होते इसका आंसर है रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन बिकॉज दे अटेन इक्विलिब्रियम आफ्टर अ सर्टन टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी इसलिए कंप्लीट नहीं होते क्योंकि एक खास टाइम गुजरने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है सो द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज टेबल इट नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इक्विलिब्रियम कायम हो जाने के बाद जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं जो प्रोडक्ट बनती है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है ना तो वो पूरी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और ना ही पूरी तरह प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं इसलिए ये रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होता क्वेश्चन नंबर टू वट इज़ स्टेटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल द वर्ड स्टैटिक मीन्स दैट द बॉडी इज नॉट इन मोशन स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है कि जब कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही जब कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट पोजिशन में है वेन द रिएक्शन सीजेज टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करना स्टॉप कर दे तो उसमें मौजूद इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है यहाँ इसकी दो एग्ज़ाम्पल लिखी हैं एग्जाम्पल नंबर वन अ बुक एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एक बुक जो टेबल की टॉप पे पड़ी हुई है अपनी रेस्ट पोजीशन में वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर टू अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रदर देन फॉलिंग डाउन जो बिल्डिंग है वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई है वो गिरती नहीं है नीचे की तरफ बिकॉज ऑल द फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड क्योंकि उस पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेज हैं वो अपनी बैलेंस पोजिशन में हैं इसका मतलब है कि अगर ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो अपवर्ड भी कोई फोर्स वहाँ पे लग रही है जो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रही है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट या कंसनट्रेशन है वो चेंज क्यों नहीं होती इसका आंसर है बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं इसलिए ना तो कोई नई चीज़ ऐड होती है ना कोई नई चीज़ बन रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में This is all about test yourself 9.1. Thank you so much. Allah